कभी 5-10 कुकड़ा कभी खादा होगा, कभी 5-10 कभी 12 बोकड़ा कभी खाया होगा, मान में बैठा हुआ है तो ठीक है चलेगा। परंतु अब भी जाग जाओ, बालिया भीले अतरा मर्डर करया था बहुत बड़ो डाकू तो बालियो भी वाल्मीकि जी। परंतु जिस दिन वाल्मीकि जी को संतों की चोट लगी तो पल में सब राज पाट उल्टे सीधे धंधे छोड़कर आप सब जीविका से सुन रहे हैं और सब भील हैं। उल्टा सीधा धंधा छोड़कर वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि हुई गया। अब वणाए जीवन में वणा के राम राम ते याद है, वणाए मारवा को काम कर तो वणाए मरा 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 उल्टा नाम जपा वाल्मीकि जी तो वैया ब्रह्म ऋषि हुई गया। ब्रह्म ऋषि हुई गया तो वणाए 14 वर्ष पहला रामायण लिख दी थी के राम वहां जन्मेगा, राम केस होगा, वहां रावण होगा, वहां से सीता ले जाएगा, वहां रावण की वध वेगा, ऐसो लक्ष्मण वेगा, ऐसो हनुमान जी का सब पट्टो लिख दो पी दिए। तो ऐसा तमाय अतरा मटर नहीं करे वो कभी। अब भी चेत जाओ, अब भी जाग जाओ, जब जागो जब सवेरा। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं फुहारा कैसे आएंगे भगवान। इसलिए तुमने आंगन नहीं फुहारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। ये भजन जोडू जी गणा गाया, हमारा सभी सुनने लगे आए। वास्तविक में अंतिम में जो भजन का सार होता है, आप सब जाननहार बैठे में क्या कहूं, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूं, मैं कोई साधु संत सन्यासी नहीं हूं, मेरे भी घर परिवार है और आप भी एक परिवार में। परंतु भजन के अंतिम में भजन का सार होता है, तो क्या है इस भजन में सार सुनिएगा। वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि हुई है और रामायण लिखी थी, तो यार वह शक्ति हमारा सब में भी है। वो भील तो अपने भील है यार, ऐसो जल्दी वो कोई ठाकर थोड़ी। तो राम का पहला अपना भील ये रामायण लिखी तो भगवान कौन है। सोचो कि भगवान को प्रमाण दे दो तो राम ये तो पैदा वेगा नहीं सी, काम की वेगा नहीं सी, जट्टा वेगा नहीं था, धोती होगा नहीं, सब पजामा होगा, तो फिर भगवान कौन है। पर अपनो भील भगवान है, वो सबसे बड़ो भगवान है, और अपने भगवान की योनि पाई नहीं आना, अपने बहर उल्टे सीधे मार्ग पे जा रहे हैं, इसलिए नहीं अपनो गंदो पड़े हुए द्वार कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। मन था मां शबरी का तो प्रभु श्री राम ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। और आजकल की मां शबरी तुम्हारे मालूम लंबा पक कर दे कहीं अड़ी भजन अड़ी न पांच भजन भी नहीं वे न लंबी होड़ ताड़ी न हो जाए।
उबासी ले भजन वाला के भी आरती वाले ये कोई कोई माता सबरी ये माँ तो अच्छी है पर कोई माई माँ बन बना टूटी ऐसा गाई रहा है गाई माला और एक वहां माँ सबरी थी वहां की दिल समाज की थी तुम्हारे जैसे बाई थी वहां की वहां कोई पहलो पर आनी थोड़ी थी कि उनको प्रभु श्री राम मिल गया यात्री को खूबसूरत थोड़ी थी माँ सबरी तो प्रभु श्री राम खूबसूरती से आ गए अरे माँ शबरी का भाव माँ शबरी का प्रेम माँ शबरी की लगन तो ढूंढते ढूंढते आ गए माँ शबरी कहाँ रहती है और आपने आजकल की माँ सबरी वणी है माँ सबरी झाड़ू में लगन लगाई मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे ना आजकल की माँ शबरी कहाँ लगन लगा मालूम तुम्हारा तुम्मा को मेरे राम आए इसलिए और कोई कोई माँ सबरिया लाल सफेद करे इसलिए माता बहन आप बैठे ऐसे मार मारते ना जाए और माँ शबरी की तरह भक्ति करें माँ शबरी की तरह भाव बनाए माँ शबरी की तरह प्रेम बनाए तो प्रभु ढूंढते ढूंढते आएंगे कि भैया श्रवण क्षेत्र में कई रहती है ढूंढता ढूंढता राम आई जगह के कहाँ मेरे भगत रहते हैं सत मत छोड़ सुरमा सत छोड़या पत जाए सत की बांध लक्ष्मी फिर मिलेगी आई सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय में साच है प्रभु हाल हजूर आता है परंतु हमें विश्वास करना पड़ेगा अंधेरी दुनिया भजना बिना कैसे चलो और किसी पाहन की मूर्ति बनेला ने वहां की सेवा करा पूजा करा न करना चाहिए परंतु अनगढ़ की भी सेवा करे जो अपने आप में सब बोलनहार है उनकी भी सेवा करे सदगुरु कबीर एक पद में कहते हैं कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पुजूरे पहाड़ और यहां से तो चक्की भली पीस खाई संसार कहिएगा यहां से तो चक्की बली इसलिए अरे जीवता बाप को रोटी न देवे मर्या बाद पछतावे ए जीवता बाप के रोटी न देवे मर्या बाद पछतावे जूता बाप के रोता नहीं देन मरिया बाद पछतावे ऐसी है यहाँ अंधेरी दुनिया बाद में पल्लो ले रोवे पन बना गंगा ने यमुना ने उज्जैन ले जाए हमारा पिताजी क्रिया वहां करूंगा और ज्यादा पैसा वालों तो कहीं गंगा जी में करा ने जीवता के तो लोटे ऊपर ही नहीं कोई कोई बही नहीं पावे पन बना और सदगुरु कबीर कह रहे मुरग जीवता बाप के तू रोटी नहीं देवे न मरिया बाद पछतावे और कहीं करे सर पे बांधे कपड़ों ने कौवा के बाप बनावे रे अंधेरी दुनिया भजन बिना केस तरियो पाखंडी वो दुनिया गुरु के बिना केस तरियो भजना बिना केस तरियो अरे ज्ञान बिना केस तरियो वो अंधेरी दुनिया भजना बिना केस तरियो पाखंडी दुनिया गुरु के बिना केस तरियो
बांधे दौड़ो कपड़ों ने, अपने आप में बेटा को फर्ज देता है मैं बेटा हूं। ने फिर यहाँ उज्जैन में के यहाँ थारा बाप यहाँ आए तो उज्जैन में यहाँ पैसा छोड़ दे। हाँ फिर ये सब लोही डाल दे तो भी कौवा सही वही तो कौवा के बाप बना है। आए थारा बाप आए सर पे बांधे जोड़ो कपड़ों ने कौवा के बाप बनावे वो अंधेरी दुनिया जीता बाप की कदी सेवा। इसलिए मेरे युवा भाई आप जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर ले और किसी के प्रति यदि प्रेम और भाव है तो हम जीते जी सेवा कर ले। और अरे मिट्टी को एक नाग बनावे पूजे लोग लुगाई, ए मिट्टी को एक नाग बनावे बाकी पूजा करियो। मिट्टी को नाग पंचमी का दंत नाग बनावे माता पिता नाग बने फिर विकी पूजा कर नाग जीव तो आप दादो निकल दे तो सुनिए। हाँ जिंदो आप जदि घर में ते लिखले ने पैर बताड़े गए यो जाई रही हो तो माँ कई थारा दादा के रोवा जो तो या कीती भाई वो तो वहां भी तो नाग भगवान थे फिर अपने कहीं कर रहा खेल तमाशो कर रहा। अब असली भगवान जब घर में तन दर्शन दे दो अपना अपने संसार का लोग मार दे। इसलिए हम सही की पूजा करें क्योंकि क्या भरोसा इस देह का विनस जाई छिन माई श्वास श्वास सुमरण करो और यथन कछनाई। कबीरा काची देह का कोई भरोसा नाई अरे काल देखियो थन्ना हाट बाजार में ने आज मसाना के माई ऐसी स्थिति बन जाती इस देह की। यार वहां तो अपने रात तो घना अच्छा भजन सुनता था अपने सब यार दादा कैसे अपना बीच में कोई की देह छूट जाए सुबह तो बोली यार घना अच्छा भजन सुनता था यार आज कैसे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते कबीरा काची देह का मुहे भरोसा नाई काल देखो बाजार में ने आज मसान की माई इसलिए इस देह का कोई भरोसा नहीं है। अंधेरी दुनिया ज्ञान बिना कैसे तरियो अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो पाखंडी दुनिया गुरु के बिना कैसे तरियो अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। सदगुरु दयाल की जय सदगुरु कबीरता है भक्ति जय हो।